नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार में सड़कों के रखरखाव और उसके मॉनिटरिंग के लिए पथ निर्माण विभाग ने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है। इस सेंटर के माध्यम से बिहार भर की सड़कों पर नजर रखी जाएगी। कमांड सेंटर के उद्घाटन के मौके पर विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 13,000 किलोमीटर सड़क के मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सड़क की स्थिति को ऑनलाइन देख लिया जाएगा, इसी के आधार पर कार्रवाई भी होगी। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि इस काम को ऐप के सहारे किया जाएगा। इसके लिए अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इंजीनियरों की निगरानी भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके सिस्टम के तहत सड़क पर पेड़ बढ़ने, व्हाइट लाइन मिटने तक की स्थिति देखी जाएगी। नितिन नवीन ने आगे बताया कि मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग होगी, हर शिकायत को बिहार में दूर किया जाएगा। नितिन नवीन ने आगे इस क्रम में कहा कि इस कमांड कंट्रोल सेंटर के निर्माण के बाद 3 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर टूटी फूटी सड़कों को बनाने से लेकर अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के द्वारा बेहतर रोड व्यवस्था के लिए रोड मेंटेनेंस एप्लीकेशन तथा मुख्यालय स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर प्रारंभ किया गया है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड तथा एप्पल iOS सहित सभी स्मार्टफोन पर काम करेगा। इस एप्लीकेशन पर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र निरीक्षण कर पथ की त्रुटियों को रियल टाइम फोटोग्राफ के साथ अपलोड किया जाएगा। अपलोड होते ही पथ के डिफेक्ट और अपलोड से संबंधित सूचनाएं पथ निर्माण विभाग मुख्यालय विश्वेश्वरैया भवन स्थित नवनिर्मित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगी। बहरहाल इस व्यवस्था के तहत सड़कों में कमी को सुधार करने के बाद रोड मैनेजर या रोड इंजीनियर के द्वारा रियल टाइम फोटोग्राफ भी अपलोड किया जाएगा। इस काम के लिए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा ठेकेदारों को अलग अलग यूनिक आईडी दिया गया है। नई व्यवस्था के लिए सभी पथ प्रमंडलों के एक सहायक अभियंता, एक कनीय अभियंता तथा प्रत्येक पैकेज के संवेदक प्रतिनिधि को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस व्यवस्था के तहत करीब 13,064 किलोमीटर लंबाई में कुल 43 पथ प्रमंडल के तहत 72 पैकेजों के पथों में ये व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही सड़कों का मेंटेनेंस भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से किया जाएगा, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए और अच्छी पहल है बिहार सरकार की तरफ से। जहां बिहार में स्मार्टफोन के जरिए सड़कों की देखभाल होगी, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर नज़र रखेगा। ये मुख्यालय से ये काम सारे किए जाएंगे। पूरा प्लान क्या है ये हमने आपको इस खबर में बताया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।